हेलो गाइस, और आज हम स्पाइस्टर स्पेशल सोया मसाला बनाएंगे जिसमें कुछ मसालों का ट्विस्ट है और सर्व करेंगे हरे हरे धनिया वाले जीरा राइस के साथ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो भी कर दीजिए। तो सबसे पहले हम एक वेसल में ढेर सारा पानी लेंगे, उसमें हल्दी और नमक डाल के बॉईल करेंगे। फिर एक कप सोया चंक को डालकर सोख होने देंगे। जब सोख हो जाए तो उसको छानकर साइड रख लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम एक टेबलस्पून घी डालकर उसमें दो हरी इलायची, तीन लौंग, चार काली मिर्च और एक पीस सिनेमन डालकर थोड़ा पका लेंगे। फिर उसमें हम दरदरी पिसी प्याज का मिक्सचर डालेंगे, जिसको हमने बनाया है तीन प्याज, चार से पांच गार्लिक, एक इंच अदरक और दो हरी मिर्च को हल्का सा पीस कर बिना किसी पानी के। अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे और थोड़ा पकाएंगे, और उसके बाद एक बड़ा टमाटर डी सीडेड और कटा हुआ फिर इसमें हम डाल देंगे और उसको भी अच्छे से फिर हम पका लेंगे। टमाटर के पकने पर फिर हम इसमें 200 ml टोमेटो प्यूरी डालेंगे और उसको हम फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तभी हम इसमें 1 टीस्पून ईच हरी इलायची और दालचीनी पाउडर को डालेंगे और 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी को ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को ऐड करके अच्छे से चला लेंगे। फिर हम धनिया पाउडर को भी डालेंगे। अब इसमें हम आधा पैकेट मैगी मसाला डालेंगे और कोई भी गरम मसाला हम इसमें नहीं डालने वाले। अब हमारी ग्रेवी को अच्छे से मिक्स करने के बाद और थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसमें सोया चंक्स को डाल देंगे। नमक डालना बिल्कुल भी ना भूलें। अब इस पूरे मसाले में हम 2 कप पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी पकने पर हम आधी टेबलस्पून चीनी डालेंगे और मिक्स करेंगे। हमारी ग्रेवी पक चुकी है, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें क्रीम ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। है ना मज़ेदार सी रेसिपी। अब बारी आती है जीरा राइस की। तो इसे बनाने के लिए हम पैन में घी गरम करेंगे और फिर इसमें हम 2 स्लाइस्ड हरी मिर्च डालेंगे और 3 टेबलस्पून जीरा डालेंगे जो कि धुला हुआ है। जब हमारा जीरा राइस थोड़ा सा भुन जाएगा तब इसमें हम बॉइल्ड राइस ऐड करके अच्छे से लाइटली मिक्स कर लेंगे। अब एंड में राइस में हम ढेर सारा चॉप्ड धनिया और नमक ऐड करेंगे। बहुत आराम से जीरा राइस को अब आप मिक्स कर लीजिए और ये रेडी है। इतनी इजी पीजी सी रेसिपी है पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना टेस्टी है कि मैं बता नहीं सकती। एक बार इन दोनों को साथ में ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। गुड बाय।